है। हम एक कॉलर से आपकी बात कर रहे थे, उसके बाद एक इंटरनेट पर दौड़ रहा आज के महाभारत वाला वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। पहले कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी नमस्कार हाँ जी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हेलो। आप बोलिए बोलिए आप बोलिए। सर, सबसे पहले तो ये जो आपका प्रोग्राम है बिंदास बोलो, मुझे काफी पसंद आता है। हेलो। धन्यवाद। हाँ बोलते रहिए। इसमें हर किसी को अपना राय कहने का मौका मिलता है सर, और ये जो आपका कहना है राहुल गांधी को, सर कांग्रेस जो है पिछले 40 साल उसने शासन करा था, 15 साल शुरू में भी करा था, उसका हमेशा जातिवाद और धर्म के लिए वो अपना वोटिंग का फायदा देखती है सर। हेलो। हाँ धन्यवाद। हम एक और कॉलर के पास चलेंगे। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। हेलो हेलो, मैं बोल रहा हूँ फरीदाबाद से, ओम सिंह बोलिए जी, बोलिए, मैं ऊंचे फरीदाबाद आवाज से में बोल रहा हूँ, बोलिए। ओम सिंह जी जी मैं फरीदाबाद से बोल रहा हूँ, ओम सिंह हाँ बोलिए। जी। का राज रहा है प्रधानमंत्री का। हाँ हेलो हाँ बोलते रहिए। धन्यवाद। हेलो। हम आपको अब एक ऐसा वीडियो दिखाते हैं कि जिस वीडियो को इंटरनेट पर अब तक कई लाख लोग दिखा चुके हैं। हम नहीं चाहते कि किसी को व्यक्तिगत तौर पर इस तरीके से प्रदर्शित किया जाए, लेकिन जिस तरीके का रोष लोगों के मन में है, ये वीडियो इंटरनेट में लाखों लोगों ने अब तक अपने अपने साइट पर शेयर किया है और करोड़ों लोगों ने इसको दुनिया भर में देखा है। ये वीडियो देखिए, आज का महाभारत, जो महाभारत सीरियल थी उसमें जिस प्रकार का म्यूजिक कैरेक्टर और जिस प्रकार की पूरा मेकअप था, उसी स्टाइल में आज के महाभारत को आपके सामने इंटरनेट से हम दिखा रहे हैं। श्री महाभारत कथा, श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सार थी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्व था, शब्द दिग्घोषित हुआ। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये महाभारत, आज का महाभारत यहां पर रामदेव बाबा का नहीं बल्कि भारत माता का वस्त्र हरण हो रहा है। हमें कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार नमस्कार। बोलिए क्या कहना चाहते हैं। हाँ मैं शिवम बोल रहा हूँ कुशेश्वर जी। हाँ हाँ आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री बनने से इनके साथ नहीं ढूंढ पाएंगे, पर ये तो कांग्रेस ने शुरू से रहा है कि जनता गिरी जी पराकाष्ठा हाँ है ना, और ये बिल्कुल ऐसा होगा, राहुल गांधी को ही बनाएंगे ये लोकपाल, बिल्कुल एकदम दौर पे लगा देंगे कि नहीं, क्योंकि इनको नेतृत्व से कोई मतलब नहीं है।
बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा होने से लोग माफ करेंगे? धन्यवाद, बिल्कुल ठीक कहा ना मैंने, बिल्कुल धन्यवाद। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, आप भी अपनी राय को दे सकते हैं। हाँ हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये कानून, हेलो बोलिए। हाँ जी हेलो, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो ये कानून बनाया है, हाँ। अन्ना जी कह रहे हैं कि कानून पास करो, अच्छा कानून है, ये नेता क्यों इसको पास नहीं करना चाहते हैं? पता क्यों नहीं करना चाहता? जहाँ तक मेरा सोचना है कि ये भ्रष्टाचार करने के लिए तो नेता बनते हैं, ठीक हाँ। है, अगर ये कानून पास कर देंगे तो इन्हीं के पर लागू होगा, हाँ। ये क्यों ऐसा मेरे कपिल सिब्बल जी ने बोला था कि जिस पेड़ पे बैठे हैं उसी को काटना ही, खुद ही क्यों काटेंगे उस पेड़ को? इसीलिए कानून पास नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं, इनको परेशानी क्या है? भ्रष्टाचार करना नहीं है, कानून जो मर्जी हो अपना इन पे लागू नहीं होगा, जिसने चोरी नहीं करनी उसको डर की क्या कानून सख्त बनने में? इनको यही परेशानी है कि हमारे को कहीं ये कानून बनाया हुआ हमारे हमारे ही गले की का फंदा ना बन जाए, बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इसलिए सरकार परेशान लगती है मुझे, और कोई इसमें ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, हेलो धन्यवाद। हम यहाँ पर आपको परिणाम दिखाते हैं कि क्या परिणाम, परिणामों पर नजर डालिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम सफल नहीं होगी, क्योंकि सरकार राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाकर ये दिखाना चाहती है कि वो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ है। देश की बागडोर एक अपरिपक्व नेता के हाथ में होगी, एक ऐसे नेता के हाथ में जिसने सांसद बनने से लेकर आज तक देश के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया जिसे देश के आम आदमी को फायदा हो, सिवाय राजनीतिक रैलियों के, और जो देश के आम आदमी की जरूरत को भी नहीं जानता हो। देश का युवा वर्ग निराश हो जाएगा, क्योंकि आज युवा वर्ग अन्ना हजारे के साथ बढ़ चढ़ कर आंदोलन कर रहा है। ये युवा वर्ग राहुल गांधी को नहीं अन्ना हजारे को अपना शुभचिंतक मानता है, क्योंकि आज अन्ना हजारे में उसे अपना सच्चा हितैषी दिख रहा है, जो अपने लिए नहीं देश के लिए लड़ रहा है। राहुल गांधी ने देश के लिए किया ही क्या है? कांग्रेस अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस तो चाहती ही है कि भ्रष्टाचार पर रोक ना लगे, क्योंकि सरकार एक ऐसा लोकपाल संसद में पेश करके जो सरकार की कठपुतली हो, इसलिए वो नहीं चाहती कि जल लोकपाल बिल पारित हो। देश का नंबर वन बनने का सपना साकार नहीं हो पाएगा, क्योंकि देश में भ्रष्टाचार ऐसे ही बना रहेगा, क्योंकि राहुल गांधी को ये तक नहीं पता कि देश के आम आदमी की जरूरत क्या है, और जब तक हम देश को सही मापने में विकसित नहीं कर सकते, तब तक देश के आम आदमी को विकसित नहीं किया जा सकेगा। देश में फिर सरकार की तानाशाही बनी रहेगी, क्योंकि देश कांग्रेस सरकार की तानाशाही को आजादी के समय से झेलता आया है, और फिर उसे कांग्रेसी सरकार की तानाशाही में जीना पड़ेगा। एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी राय लेते हैं। राजपुरोहित बोल रहा हूँ, बीकानेर से। बोलिए बोलिए। और मेरा बोलना ये है कि जो अन्ना जी जो कर रहे हैं वो देश के लिए बहुत अच्छा है, और क्यों नहीं कांग्रेस सरकार को सुनाई दे रहा है कि ये क्या कर रहे हैं, ये सुनाई नहीं देता क्या कांग्रेस सरकार को? बिल्कुल, मैं ये कहता हूँ कि भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और कांग्रेस सरकार को झुकना चाहिए, बकरे की तरह घुटने पे आना चाहिए कांग्रेस सरकार, और कांग्रेस को ये मिलना चाहिए, सबक मिलना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। कांग्रेस को ये नहीं लगता क्या कि हमारी गवर्नमेंट खत्म हो रही है? और मैं तो वैसे राजपुरोहित समाज का एक बंधु छोटा सा, जो मैं रेगुलर आज 3 महीने से टीवी को चिपक के बैठा हूँ, और मैं अनशन पे भी उतरा हुआ हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि अन्ना जी की जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, इसके लिए कांग्रेस सरकार को झुकना चाहिए। मेरा ये कहना है कि कांग्रेस सरकार रुके और इस चीज को समझे, क्या कर रहा है कांग्रेस सरकार, इस बात को, ये क्या घोटाला किया जा रहा है, उसकी बात को जो कर रहे हैं अन्ना जी, उसका सहयोग दीजिए कांग्रेस को, ये सुनना पड़ेगा और कांग्रेस को सुनना पड़ेगा। बिल्कुल, हम चाहते हैं कांग्रेस झुके पड़ेगा, और इससे पहले कि ये 80 साल का बूढ़ा उसकी तबीयत को खराबी, इससे पहले धन्यवाद धन्यवाद कॉल करने के लिए। हम अगले कॉलर के पास चलते हैं, उनकी बात सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं।
में नेहरू गांधी परिवार के चाटुकारों की कमी नहीं है। वो काफी मुद्दे से ये प्रयास कर रहे थे कि कहीं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। कभी वो उन्हें भावी प्रधानमंत्री कहते थे तो कभी युवराज। अब जब अन्ना हजारे और स्वामी रामदेव के आंदोलनों के कारण सरकार बदनाम हुई है तो उन्हें ये काम बड़ा आसान लगने लगा है। वो इस बदनामी का ठीकरा मनमोहन सिंह के मत्थे मार के वो उन्हें उनसे इस्तीफा देकर इनको गद्दी पे लगाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें जानना चाहिए, जनता को भी ये जानना चाहिए कि ये युवराज आखिर है कौन। ये युवराज वो है जो बट्टा परसोल में किसानों पर पुलिस जातियों की मगरमच्छी आंसू बहाते हैं, लेकिन 4-6-11 को रामलीला मैदान में बाबा रामदेव के निहत्थे साथियों पर पुलिस की बट्टा पर चुप्पी साधते हैं। ये वही राहुल है जो उत्तर प्रदेश के किसानों की जमीन अधिग्रहण पर तो नाथी तफे बहाते हैं, पर हरियाणा की उपजाऊ जमीन वहां की पंचायत पर दबाव डालकर कौड़ियों के भाव अपने ट्रस्ट के नाम इलाज करवा लेते हैं। ये वही राहुल है जो कश्मीरी अलगाववादियों को तो मुस्लिम वोट बैंक के कारण वे साथ देते हैं और हिंदुओं को भगवा आतंकवाद बताकर बदनाम करते हैं। ये वही राहुल गांधी है जिनके पूज पिताजी बोफर्स तोपखाने के कारण देश के घोटालों के जन्मदाता कहे जाते हैं। अगर यही राहुल गांधी अपने कांग्रेसी चाटुकारों के इंतक्रम के कारण प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो ये देश का दुर्भाग्य होगा और वह दिन हिंदुस्तान के काला दिवस के रूप में जाना जाएगा। बिल्कुल, लेकिन क्या ऐसा होगा, ऐसा इस बात से आप सहमत हैं? ऐसा नहीं होने देंगे, अगर राष्ट्रपति चाहेंगे तो ऐसा होने नहीं देंगे। धन्यवाद अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। आप भी अपनी बात को रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं सुदर्शन में। जो भी आपके विचार है वो सारे रखने की छूट है। आपका फोन लाइव में डायरेक्ट कनेक्ट होता है और आप अपनी मन मर्जी की जो भी बात है वो कह सकते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। जब जब सरकार राजी है कि बिल हमें देने के लिए तो वो क्यों नहीं पास कर रही है अपना वो? बिल्कुल, आपको क्या लगता है? जब करप्शन नहीं कर रही है गवर्नमेंट, जब करप्शन नहीं कर रही है गवर्नमेंट तो ये बिल पास क्यों नहीं कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब ये करप्शन कर रहे हैं जब नहीं कर रहे हैं बिल पास। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं, देखते हैं उनकी क्या राय है। हेलो, नमस्कार। जनमजय शर्मा बोल रहा हूँ। हाँ, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनाने का विचार आया है इसमें तो उनकी जो मम्मी है वो सोनिया गांधी, और हमारा नासिक से वही घोषणा है कि सोनिया जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है, तो राहुल को बनाने से क्या फायदा होगा? तो उससे अच्छा तो है कि देश में इलेक्शन कराया जाए, नहीं तो जन लोकपाल बिल जैसे जो अन्ना ने दिया है वो सेम टू सेम पास कर दिया जाए। धन्यवाद। देश में अब नए नारे बहुत चल रहे हैं और जब इंडिया गेट पर देखा तो 100-200 नए नारे थे और उस नारों को सुनकर लग रहा था कि लोगों में जो गुस्सा है वो कभी कवित्व के माध्यम से तो कभी लोकतांत्रिक आंदोलन के तरीके के माध्यम से बाहर आ रहा है।